हेलो एवरीवन, आई एम विवेक एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर ओकैप सीरीज वेयर वी आर डूइंग 10 वर्ड्स एवरी डे फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज स्लम। सो स्लम क्या होता है, आप में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि व्हाट इज स्लम। स्लम यानी कि एक पॉपुलेटेड एरिया होता है जो कि बहुत ज्यादा गंदा रहता है, और यह शहरों में होता है। यहाँ पे जहाँ पे शहर की आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसके बगल में हम देखते हैं कि एक बस्ती टाइप का बन जाता है, वही कहलाता है स्लम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गंदी बस्ती या फिर कच्ची बस्ती भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा, तो इसका सिनोनिम होगा, आप स्लम की जगह पे और क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं उसको बोलेंगे सिनोनिम। तो सिनोनिम होगा स्किड रो, ब्लाइटेड एरिया, पब्लिक स्क्वेलर। तो ये है इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड डेमोलिश। डेमोलिश मींस होता है समाप्त कर देना, गिरा देना, ध्वस्त कर देना, यानी कि कोई भी बिल्डिंग है उसको हमने खत्म कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे डेमोलिश। इसके लिए सिनोनिम क्या यूज करेंगे, व्रेक, व्रेक, ठीक है, देखिए डब्ल्यू आर ई सी के, तो इसको वैसे नॉर्मली पढ़े तो रेक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जब इसे हम अमेरिकन में पढ़ते हैं रेक, रेक, वह का हल्का साउंड आएगा, बहुत माइनर सा, ठीक है, रेक। और दूसरा सिनोनिम देखें तो बुलडोज, यानी कि डेमोलिश का जो सिनोनिम होगा रेक या फिर बुलडोज। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेज। ब्लेज मींस होता है ज्वाला, यानी कि अ वेरी लार्ज बर्निंग फायर, जो बहुत तेज से जल रही है वही होती है ब्लेज। इसका सिनोनिम देखें तो बर्स्ट, क्या बर्स्ट और फ्लैश, ये क्या है, ये है ब्लेज का सिनोनिम, यानी कि ज्वाला। हम लोग ब्लेजर पहनते हैं ना, ब्लेजर, तो उसी से याद कर सकते हैं ब्लेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्नोर। स्नोर मींस होता है खर्राटा, यानी कि जैसे सोते हुए हम देखते हैं कोई कोई खर्राटा लेते हुए सोता है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्नोर। स्नोर मींस होता है खर्राटे लेना। दूसरा वर्ड वीज, वीज, ठीक है, वीज, चाहे वीज पढ़िए या फिर वीज, दोनों पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसका स्नोर का हुआ सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है इरिटेंट। इरिटेंट मींस होता है उत्तेजक, यानी कि जैसे कोई परेशान कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, वही होता है इरिटेंट, ठीक है। इसका सिनोनिम होगा बॉदर, बॉदर या फिर ट्रबल, ट्रबल, क्या है इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है रीप। रीप मींस होता है काटना, या फिर इसे कुछ इस तरीके से हम इस अर्थ में ले सकते हैं, फसल काटना या फिर अपने किए गए कर्मों के फल को भोगना, इस तरीके से भी रीप का यूज करेंगे। इसका जो है सिनोनिम क्या होगा, डिराइव, क्या होगा, डिराइव या फिर गेन। रीप का सिनोनिम होगा डिराइव या फिर गेन। नेक्स्ट वर्ड है फेरी। फेरी क्या होगा, फेरी, फेरी मींस होता है नौका या फिर इस पार से उस पार तक पहुंचाने वाला, जिसे बोलेंगे बैराज, बैराज या फिर राफ्ट, क्या राफ्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके हो गया नौका। अगला है योन। योन, योन मींस होता है एन इनडेफिनिट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत लंबा समय, यही क्या होता है युग कहलाता है हिंदी में, क्या युग, यौन, यौन, यानी कि सिनोनिम क्या होगा एरा। एरा क्या होता है, युग होता है, यौन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अचीव। अचीव का मीनिंग क्या होगा, प्राप्त करना, कोई भी चीज गेन करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम अटेन, अर्न, अकम्प्लिश, क्या अकम्प्लिश, ठीक है। तो अचीव, अचीव का सिनोनिम अटेन, अर्न, अकम्प्लिश। इसी तरीके से लास्ट वर्ड है फ्लरी। फ्लरी क्या है, फ्लरी, फ्लरी का मीन्स क्या होता है, हलचल, घबराहट, ठीक है, जैसे बहुत भीड़ भाड़ में गए आपको घबराहट होने लगी या फिर बहुत भीड़ है वहां पे हलचल है, तो इस तरीके से यूज होता है फ्लरी का। फ्लरी का सिनोनिम स्प्रट, स्प्रट, फ्यूरोर, फ्यूरोर, ये क्या है सिनोनिम है किसके, फ्लरी के।
तो ये रहे 10 वर्ड्स, आई होप आपको यहां से हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस हेल्पफुल रहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कराते चलिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाते चलिए, ताकि हमारी पहुंच और लोगों तक बने और भी लोग इन नए वर्ड्स के माध्यम से अपनी वर्ड पावर को मजबूत कर सकें और उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में और जो इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम्स आती है उसको क्लियर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।